मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे ट्राइसेप्स, थर्सडे बाइसेप्स, फ्राइडे शोल्डर्स एंड सैटरडे लेग्स। सो गाइस, क्या आप भी इस तरीके से वर्कआउट करते हो? सो ये गलत तरीका है। अगर आप ये वर्कआउट प्लान फॉलो करेंगे सो आपको उतनी जल्दी अच्छे रिजल्ट नहीं दिखेंगे। सो इसलिए अपने मसल्स के ग्रोथ के लिए यानी कि हाइपरट्रॉफी के लिए सबसे अच्छा प्लान कौन सा होता है, सबसे अच्छा वर्कआउट स्प्लिट कौन सा होता है, आज की इस वीडियो में हम लोग वो चीज़ डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो गाइस, अगर आप एक दिन में एक बॉडी पार्ट ट्रेन करते हैं सो एक्चुअली में ये बेकार नहीं होता है, ये एक्चुअली में यूज़फुल होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो, लाइक आप हैवी बेंच मारें, हैवी डेडलिफ्ट मारें, हैवी स्क्वाट्स मारें, तो उस केस में आपको ब्रो स्प्लिट यानी कि अपने एक दिन में अपने एक मसल पार्ट को ट्रेन करना चाहिए। इसके पीछे ये रीज़न है कि गाइस, जब आप एक दिन में एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं तो उसका आप एक छोटा छोटा मसल पार्ट भी जो है उसे अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं। पर जब आप एक दिन में दो या तीन बॉडी पार्ट ट्रेन करते हैं सो उस केस में होता क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर मसल जो है वो बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप एक दिन में दो या तीन बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे तो आप हर मसल्स का दो या तीन ही वर्कआउट कर पाएंगे, जबकि जब आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं यानी कि जब आप एक दिन में एक मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं तो उस केस में होता क्या है कि आप एक बॉडी पार्ट के पाँच या छः वर्कआउट करते हैं तो उसमें आपका हर एक छोटा छोटा मसल ट्रेन होता है, जिससे कि आपका उस मसल्स का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो गाइस, इसलिए अगर आप अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको एक दिन में अपने एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना चाहिए। सो गाइस, अब बात करते हैं कि बल्किंग या हाइपरट्रॉफी, जिसमें कि आपका मेन गोल ये होता है कि अपने मसल साइज़ को इंक्रीज़ करना, उस केस में आपको कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। तो गाइस देखिए, जब आपका गोल ये होता है बल्किंग करना या हाइपरट्रॉफी अपने मसल्स को इंक्रीज करना, उस केस में आपको एक दिन में दो बॉडी पार्ट को ट्रेन करना चाहिए। यानी कि आपको पुश पुल लेग आप कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक मंडे को चेस्ट ट्राइसेप, ट्यूसडे को बैक बाइसेप और वेडनेसडे को शोल्डर लेग, इस तरीके से भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो सबका मेन क्वेश्चन ये रहता है कि एक दिन में दो बॉडी पार्ट ट्रेन करने से आपका मसल साइज जल्दी क्यों इंक्रीज होता है। सो गाइस देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक दिन में दो बॉडी पार्ट को ट्रेन करेंगे तो आप तीन दिन में ही पूरे अपने मसल्स को, सारे बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर लेंगे। सो आप हर एक मसल्स को दोबारा एक और बार ट्रेन कर सकते हैं उसी वीक में। उससे होता क्या है कि आप हर एक बॉडी पार्ट को एक वीक में दो बार ट्रेन कर पाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आप एक मसल्स को एक वीक में दो बार ट्रेन करेंगे तो इससे आपका मसल ग्रोथ जल्दी क्यों होता है। सो गाइस देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई वर्कआउट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप मंडे को किए चेस्ट और ट्राइसेप, तो उससे जो आपका मसल ब्रेकडाउन होता है वर्कआउट करने के बाद, उसको रिकवर होने में लगता है 48 hours to 72 hours, यानी कि दो से तीन दिन लगता है। सो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इन तीन दिन में ये दोनों मसल्स, चेस्ट और ट्राइसेप, ये रिकवर हो जाएंगे। सो फिर जब आप दोबारा से थर्सडे को वर्कआउट करेंगे तो आपको एक और बार टाइम मिल जाएगा इन दोनों को ट्रेन करने का, और आप अपने मसल्स को सबसे फ्रीक्वेंटली जो पॉसिबल है उस रेट से ट्रेन कर पाएंगे। पर गाइस, यहीं अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं यानी कि एक दिन में अपने एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं, तो उस केस में होता क्या है, देखिए जब मंडे को आप अगर चेस्ट करेंगे तो फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इन तीन दिन में आपका चेस्ट जो है रिकवर हो गया। फिर आपका जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तीन दिन जो है जिसमें आप अगर थर्सडे को एक और बार ट्रेन करते फिर वो दोबारा से रिकवर मोड में जाता, वो चीज़ नहीं होगा। तो आपका जो तीन दिन है जिसमें वो एक और बार ट्रेन हो सकता था, उसमें आपने एक भी बार उसे ट्रेन नहीं किया, जिसकी वजह से आपका जो तीन दिन है वो बर्बाद हो गया। सो यही रीज़न है जिसकी वजह से बोला जाता है कि अगर आप बल्किंग कर रहे हैं या फिर अगर आपका गोल है हाइपरट्रॉफी, तो आपको एक दिन में दो बॉडी पार्ट को ट्रेन करना चाहिए और आपको पर मसल्स को, पर बॉडी पार्ट को एक वीक में दो बार ट्रेन करना चाहिए। तो इससे आपका जो ग्रोथ है मसल्स का वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और गाइस, बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि अगर वो लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो करेंगे तो उनका केवल स्ट्रेंथ गेन होगा, और अगर वो लोग पुश पुल लेग फॉलो करेंगे तो उनका केवल मसल गेन होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं तो आपका ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ गेन पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है और उसके साथ मसल भी गेन होता है, और यही अगर आप पुश पुल लेग करते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा फोकस रहता है मसल गेन पे और साथ ही में आपका स्ट्रेंथ भी गेन होता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्रो स्प्लिट करने से आपका केवल स्ट्रेंथ गेन होगा और आपका मसल गेन होगा ही नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि अगर आप पुश पुल लेग करेंगे तो आपका केवल मसल गेन होगा, स्ट्रेंथ गेन होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल कंपैरेटिवली बोला जाता है कि ब्रो स्प्लिट में आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होगा और पुश पुल लेग में आपका ज़्यादा मसल्स गेन होगा। ऑल राइट गाइस, सो दिस वाज टुडेज़ वीडियो, जिसमें कि आपको बताया कि हाइपरट्रॉफी या बल्किंग के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट प्लान, सबसे अच्छा वर्कआउट स्प्लिट कौन सा होता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो पर लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। एंड आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आपको डिटेल में बताए थे कि किस तरीके से आप बल्किंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने डाइट को बना सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।